ये लड़का एक नुकीले से चाकू को उठाकर अपने चेहरे पर जोरों से मार देता है, क्योंकि वो एक समुद्री लुटेरा बनना चाहता था। लेकिन जहाज पर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तू बस एक छोटा सा चूसा है। तभी वहाँ पर जहाज का कप्तान आ जाता है, जो इस लड़के को बताता है कि समुद्री लुटेरे बहादुर होते हैं, लेकिन वो कभी भी ऐसी बेवकूफियां नहीं करते, इसलिए तुम अभी लुटेरे बनने के लिए तैयार नहीं हो। ये सुनकर वो लड़का काफी गुस्सा हो जाता है और एक कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर लेता है। तभी उसे एक डिब्बा नजर आता है जिसके अंदर एक अजीब सा फल रखा हुआ था। वो बिना कुछ सोचे उस फल को खा लेता है। अचानक से कुछ गुंडे वहां पर आकर दुकान की मालिक से शराब की कुछ बोतलें मांगने लगते हैं, लेकिन शैंक और उसके लुटेरे दोस्तों ने सारी शराब खत्म कर दी थी। लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए शैंक अपनी बची हुई शराब उन लोगों को देने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडा शराब की बोतल को तोड़कर उस आदमी की काफी बेइज्जती करता है। लड़के को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो तुरंत ही उस आदमी को सबक सिखाने के लिए जाने लगता है। तभी शैंक्स उस लड़के का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक से उस लड़के का हाथ रबर की तरह मिलों तक खींच जाता है। तभी वो गुंडा दोबारा से वहां पर आकर